close till I get up. Time is better. एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल जो मैजिक टैरो. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं. ये आपके एक्स हो सकते हैं, आपके यू नो जिनसे आप प्यार करते हो, क्रशिंग ऑन कर रहे हो, किसी को चाहते हो, बता नहीं पा रहे हो, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है गाइस. ओके, यहाँ पे 3 पाइल्स है. फर्स्ट वन इज बेल. दिसंबर में आप एक दूसरे से मिल सकते हो. पिंक स्टोन. और लास्ट बट नॉट लीस्ट, 3 मंथ के अंदर अंदर आपके पास आ सकता है पाइल नंबर 3. आपको इन तीनों में से जो भी अच्छा लगता है आप सेलेक्ट कर लीजिए गाइस. सेट्स अप विद योर रीडिंग. हाय पाइल नंबर 1, वेलकम बैक. देखते हैं आपके कार्ड्स क्या बोलते हैं, उनके करंट फीलिंग्स. 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, उनका सनसाइन, आपका सनसाइन गाइस. स्ट्रेंथ कार्ड, लियो, फुल फ्लेजडली है यहाँ पे. आपका सनसाइन, उनका सनसाइन. इमेजिन, ओके, एडजस्ट पॉसिबिलिटीज इन रिवर्स. एबुंडेंस, वो भी क्या सोच रहे हैं. 8 ऑफ वॉन्ड्स विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स, दिस पर्सन इज वेरी बर्डन्ड. इनको बहुत बर्डन है अपने काम को लेके. शायद ये वेल ऑफ नहीं है अपने काम से, अपने पास रिलेशनशिप से, किसी तो चीज़ से ये बहुत ज़्यादा बर्डन है. इनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनके कांधों पर. इनको कुछ समझ नहीं आ रहा. ये पर्सन जो आप जिसके बारे में भी पूछ रहे हो, एरीस, लियो, सैज, उनका सनसाइन हो सकता है. एरीस, लियो, सैज सबसे ज़्यादा है इस रीडिंग में. ओके गाइस, फायर साइंस सबसे ज़्यादा है इस रीडिंग में. स्ट्रेंथ कार्ड, लियो हो सकता है उनका सनसाइन, आपका सनसाइन हो सकता है. 8 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब होता है कि ये आपकी तरफ एक मैसेज सेंड करना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं. करंट स्टेट तो यही बोल रहे हैं. ये स्पीडेड एक्शन होगा, ट्रैवल हो सकता है, क्विक चेंजेस हो सकता है, गुड न्यूज़ आ सकता है आपकी तरफ. आपकी तरफ आने वाला है गुड न्यूज़. एंड ये आपको इम्पॉर्टेंट जर्नी के लिए कुछ बात कर सकते हैं, करस्पॉन्डेंस के बारे में बात कर सकते हैं. कुछ फेवरेबल न्यूज़ आने वाला होगा, आपके पास कोई लेटर आएगा. ये आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं. दिस पर्सन वॉन्टेड टू ट्रैवल टूवर्ड्स यू, बट इनके ऊपर काफ़ी बर्डन है. हम देखते हैं कि क्या रीज़न है. 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है. द वर्ल्ड का इनका कम्प्लीशन चल रहा है इनके पास्ट रिलेशनशिप के साथ. इनका मैरिज ओवर होने वाला है या फिर इनका कम्प्लीशन चल रहा है किसी के साथ भी हो सकता है. नंबर 21 कम्प्लीशन है, डिवोर्स चल रहा होगा, लीगल बैटल में है ये, पूरा लीगल बैटल में है. एंड डेफिनेटली इनका डिवोर्स है यहाँ पे. 10 ऑफ वॉन्ड्स इसी वजह से आए. बहुत बर्डन उठा रहे हैं इनको, मॉनिटरी वाइज, प्रॉपर्टी वाइज, सब कुछ इनको देना पड़ेगा. एंड ट्रैवलिंग जॉब में हो सकते हैं, लीडर हो सकते हैं, कहीं ट्रैवल करते हो, कहीं ट्रैवलिंग का काम हो इनका, एयरपोर्ट्स में काम कर सकते हैं. एंड किसी भी जगह, यू नो, एयरपोर्ट हो गया, कहीं पे भी ट्रैवल करने का, किसी पुलिस में हो सकते हैं. एंड व्हाट डू यू कॉल, आपका क्या बोलते हैं उसको, रेलवे में हो सकते हैं. दिस पर्सन कैन बी विद द वर्ल्ड कार्ड. दिस कम्प्लीशन, न्यू बिगिनिंग होने वाला है इनका. ये आपको डेफिनेटली कॉन्टैक्ट करेंगे विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स. ये आपको बताएंगे कि इनकी फीलिंग्स आपकी तरफ ट्रैवल कर सकते हैं. आपका इनके साथ, यू नो, इनके मे बी अभी इन ये लोग ये इनके साथ फंसे हुए हैं, थर्ड पार्टी के साथ. थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे. एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज, इसका मतलब होता है कि इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है. ये अपने पैसों पे काम कर रहे हैं, इनको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा. इमेजिन करते रहते हैं आपके बारे में, काफ़ी डे ड्रीमिंग करते हैं, नाइट ड्रीम करते हैं. आप इनको 4D 5D में मिलते होंगे, इमेजिन करते रहते हैं आपके बारे में. एबुंडेंस, इनके पास बहुत वेल्थ आएगा. वंस दे आर आउट ऑफ दिस कम्प्लीशन, डेफिनेटली उनके पास बहुत पैसा आएगा. आप दोनों कोलैबोरेट कर सकते हो एक साथ, काफ़ी चीज़ें आएंगी, मैरिज आ सकता है. या ऑल दीज थिंग्स कम अंडर दैट.
विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, हो सकता है इनका कंप्लीशन ख़त्म ही होने वाला है शायद, तो इनका जो कॉन्टैक्ट है ये सारी बातें आपको विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको बता सकते हैं, दैट्स पॉसिबल। फॉरगिवनेस, आपके साथ इन्होंने शायद बुरा किया, इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया, तो शायद ये आपको डेफिनेटली कॉन्टैक्ट करके बताएंगे ये सारी बातें, आपको पता चलेंगी कि यू नो, इन्होंने क्यों ऐसा किया, या फिर मे बी आपके साथ कुछ ऊंची आवाज़ में बात करी हो, गलत बातें करी हो, आपके बीच में कोई ब्लंट बातें हुई हो, लड़ाइयाँ हुई हो, तो वो आपसे अपोलोजाइज करना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू स्पीक टू यू, या बात करना चाहते हैं, या ईयर फ्रॉम नाउ, एक साल के अंदर अंदर आपकी मैरिज हो सकती है, इसका मतलब ये टाइमलेस रीडिंग है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर आपकी मैरिज हो सकती है। इट्स वेरी नाइस कार्ड्स, आई एम वेरी हैप्पी विद पाइल नंबर वन, आई होप आपको ये रीडिंग बहुत 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 पसंद आएगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ सेट्स अप अ थम्स अप ऑन माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन, लेट्स सेट्स अप टू पाइल नंबर टू। हाई, वेलकम बैक पाइल नंबर टू, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, लेट्स सेट्स अप विद योर रीडिंग। जिन्होंने भी पिंक स्टोन चूज़ किया था, देखते हैं कि करंट फीलिंग्स क्या है उनकी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, ओके, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, आपका सनसाइन उनका सनसाइन, थ्री ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, करंट फीलिंग्स, नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स, सब रिवर्स में क्यों है गाइस, व्हाट हैपेंड, द मून इन अपराइट, सोलमेट्स, आई कांट बिलीव इट गाइस, आप दोनों सोलमेट्स हो, हैप्पी फैमिली, शायद ये डिवोर्स हो रहे हैं इनका, इनका डिवोर्स चल रहा है शायद, इन रिवर्स, हैप्पी फैमिली इन डिवोर्स, हैप्पी फैमिली इन डिवोर्स मैंने बोल दिया, आई एम सो सॉरी, हैप्पी फैमिली कार्ड इन रिवर्स, ओके, कॉन्शियसनेस, थंडरबोल्ट, तो अभी देखते हैं कि क्या सीन क्या है यहाँ पर, पहले हम टैरो से चलते हैं, एरीस, लियो, सैज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा है इस रीडिंग में, ओके गाइस, इस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इनकी थर्ड पार्टी हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है ये बंदा, ये बहुत सॉरो हो सकता है, पास रिलेशनशिप हो सकता है इनका, जिनके साथ रिलेशनशिप हो, मैरिड हो सकता है, एक बेबी हो सकता है, वुमन ओवर 25 ईयर्स टू 45 ईयर्स, That is possible. जिनके साथ इनका डिवोर्स चल रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिस्टिक इंसान है, काफ़ी विंडी चीज़ें, काफ़ी क्लाउडी चीज़ें इनकी लाइफ में चल रही हैं, एंड काफ़ी डिसीटफुल इंसान का मतलब धोखेबाज इंसान है, कई किसी से बात करती होंगी या झूठ बोलती होंगी, बहुत ज़्यादा स्लाई इंसान है, इनटॉलरेंट, काफ़ी बिल्कुल टॉलरेट नहीं करती कोई भी चीज़ों को, काफ़ी वेल्दी हैं, पैसे वाली हैं, नैरो माइंडेड इंसान है, छोटी सोच है इनकी, काफ़ी मतलब ऑर्डर करने वाली हैं, बहुत ही ज़्यादा इनको अपने बांध के रखती है, दो सिनारियोस हो सकते हैं, इनकी मदर भी हो सकती है, दैट्स पॉसिबल फॉर फ्यू पीपल, कुछ लोगों के लिए इनकी मदर भी हो सकती हैं, अगेन इनका बहुत एनिमिटी है इनके पार्टनर के साथ। थ्री ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, इसका मतलब होता है कि करंट फीलिंग्स ये कह रही हैं कि एरिस, लियो, सैज इनका सनसाइन हो सकता है कि ये ट्रैवल टीम वर्क में बिलीव करते हैं, बट ये टीम वर्क नहीं कर सकते आपके साथ, कोलैबोरेट नहीं कर सकते, इनका एक्सपेंशन आपके साथ नहीं हो सकता, ट्रैवल नहीं कर सकते राइट नाउ बिकॉज इनका लीगल बैटल चल रहा होगा, वो अभी आगे देखते हैं हम क्या हो रहा है बेसिकली, या इनका रिलेशनशिप टूट रहा है, तो दिस इज़ अ कार्ड ऑफ फेलियर, मतलब वो फेल हो रहे हैं कि कोई भी आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, उनका कम्युनिकेशन भी नहीं कर पा रहे हैं, वो बस ड्रीम्स में रहना चाहते हैं, रियलिटी को नहीं देख रहे हैं जो चल रहा है अभी, बहुत परेशान हैं, फेलियर सब फेल्ड फील करते हैं, और जो भी प्लान्स वो बना रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी दैट इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स, ये इसीलिए रिवर्स में आया है, काफ़ी फ्रॉड हुआ है इस बंदे के साथ, इस बंदी ने इनके साथ फ्रॉड किया होगा, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, आपका सनसाइन उनका सनसाइन, एंड फॉल्स प्रोमिसेस दिए होंगे, ट्रिक्स्टर होते हैं ये, जो जिन्होंने भी इनके साथ बुरा किया वो बहुत बड़ा ट्रिक्स्टर है, और बहुत बुरा किया इन्होंने इनके साथ, एंड बहुत बड़े झूठे इंसान हैं, एंड काफ़ी ट्रबल किया इनको, इनकी लाइफ बहुत ख़राब कर दी, एंड बिगिनिंग से ही इनका कुछ बना ही नहीं, इनका मैरिज इतना, दिस मैरिज इज़ इन रिवर्स, हो सकता है इनका डिवोर्स हो चुका हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि इनका डिवोर्स हो चुका है इस पर्सन के साथ, पाइल नंबर टू, हैप्पी फैमिली इन रिवर्स, इनके दो बच्चे हो सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, नंबर फोर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है यहाँ पे, एंड या ओके द मून,
मून का मतलब होता है कि स्कॉर्पियो आपका सनसाइन उनका सनसाइन जो भी इनके लाइफ में चल रहा है ये आपको रिवील करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू रिवील इट। जो भी झूठ बोला या धोखा दिया या किसी और के साथ अफेयर होगा या किसी और से फ़ोन पे बातें करते होंगे छुप छुप के, कोई और काम धंधा तो होता नहीं आजकल लोगों को, तो दे माइट बी दे दिस पर्सन वॉन्ट टू रिवील ऑल दिस थिंग्स, जो भी इनकी लाइफ में चल रहा है वो रिवील करना चाहते हैं। ये सब अभी प्रेजेंटली इनके साथ चल रहा है। प्लीज़ नोट दैट दिस इज़ अ कलेक्टिव जनरल रीडिंग, इट मे और may not resonate with everyone, so if you want a personal booking from me you can take a personal booking from me, everything is mentioned in the description box। Thunderbolt, इनकी life बिल्कुल thunder, जब thunder होता है आसमान में आपने देखा होगा, जब भी thunder होता है, जब भी बहुत ज़्यादा बारिश बारिश होती है, हवाएं चलती हैं काफ़ी, काले काले बादल आ जाते तो कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसी लाइफ चल रही है इनकी बिल्कुल भी अभी राइट नाउ। बहुत परेशान है, हो सकता है लीगल बैटल में अभी हो प्रेजेंटली, इन इस बंदी ने इनको जेल में डाला हो या जेल में डालने की धमकी दी हो या इनके साथ इनका लीगल बैटल चल रहा है। कॉन्शियसनेस कॉन्शियस होने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने, सब कॉन्शियस माइंड में सब कुछ सोचते रहते हैं ये सब जो भी चल रहा है। आप दोनों सोलमेट रिलेशनशिप में हो, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, यू बोथ आर इन अ सोलमेट रिलेशनशिप, आप सिक्स ऑफ कप्स बोल सकते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, दे लव यू, दे रियली रियली लव यू, सोलमेट कनेक्शन हो आप दोनों। एंजल से पूछते हैं क्या कहना चाहती हैं, इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करोगे तो ये आपको ज़रूर मिलेंगे, ये बोल रहे हैं कि आपको ज़रूर मिलेंगे आपके पर्सन, इट्स अप टू यू। अगर आप मूव ऑन हो चुके हो तो एंजल्स बोल रही हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से आगे बढ़ सकते हैं, आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं कि आपको इसका वेट करना चाहिए, नॉट द राइट टाइम। एंजल्स बोल रही है कि ये अभी करेक्ट टाइम नहीं है क्योंकि इनका लीगल बैटल 100% अभी चल रहा है, तो इसको टाइम लग सकता है, अभी राइट टाइम नहीं है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आप इन्फॉर्मेशन जान सकते हो, अगर ये बंदा आपके पास आता है तो आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनसे ले सकते हो कि ये सब फिनिश ऑफ करने के बाद ही आए। जब ये आपके पास आएंगे आपको वेल्थ मिलेगा, एबुंडेंस मिलेगा, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी जब भी ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे गाइस, ठीक है। ये हो सकता है ये बहुत वेल्दी हो, इनके पास काफ़ी पैसे हो और ये बहुत अच्छे वेल ऑफ फैमिली से हो, तो ये आपको कमिटमेंट दे सकते हैं आगे जाके। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आया होगा, प्लीज़ हिट अ थम्स अप ऑन माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, लेट्स हिट अप टू पाइल नंबर 3। हाय, वेलकम बैक पाइल नंबर 3, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। 3 मंथ्स के अंदर अंदर सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास आ सकता है, 3 मंथ्स के अंदर अंदर कुछ हो सकता है। जिन्होंने भी ये डाइस चूज़ किया है, देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, सब कुछ रिवर्स में है। द स्टार, आप काफ़ी फेमस हो सकते हो सोशल मीडिया पे, एक्वेरियस आपका सनसाइन हो सकता है एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न आपका सनसाइन उनका सनसाइन, लीब्रा जेमिनी एक्वेरियस आपका सनसाइन उनका सनसाइन, ऑल दैट ग्लिटर्स, पेशेंस, ओरेकल बोल रहा है आप पेशेंट रहें इस सिचुएशन के साथ, पार्टिसिपेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये बंदा अपने ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा रहा है, इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, या 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स, सेवन ऑफ कप्स। अगर हम चले विद टैरो, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, फुल फ्लेजेडली एंड विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक बहुत ही मॉनिटरी वाइज ये बहुत परेशान है, इनके कॉइन्स पे काम करना चाहते हैं बट ये नहीं कर पा रहे हैं, सम इशू लाइक बैंकरप्सी हो सकता है, पॉसिबिलिटी गैम्बलिंग में इन्होंने पैसा डाला, वहाँ पे पैसा बहुत गवाया हो, या इनको इनका कोई लीगल मैटर चल रहा होगा वो हम देख लेते हैं आगे। प्रॉमिसिंग सर्कमस्टांसिस किसी ने किए होंगे वो फेल हो गया, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, पैसों की बहुत किल्लत आ रही है इनको अभी, वर्क में ये बिल्कुल भी वो नहीं है, काम के उसमें बिल्कुल भी इनको, दे आर नॉट वेल्दी, सम इश्यू इज गोइंग ऑन।
विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, डेफिनेटली फिर से दोबारा से ये चैरिटेबल पर्सन होंगे पहले, बट अभी चैरिटी नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है, मनी का प्रॉब्लम है, केयरलेस बिहेवियर की वजह से इन्होंने पैसा गवाया है इतना, बहुत ही डिसीटफुल धोखा धोखा मिला है इनको किसी से। अभी आगे देखते हैं क्या सीन है, ये थेफ्ट हुआ है, चोरी हुआ है, इनके पैसे किसी ने चुरा लिए हैं, मुझे नहीं पता गाइस। आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। फाइव ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स का मतलब होता है ये इनडिसिशन में है बिल्कुल, बहुत परेशान है पैसों को लेके, काफ़ी इनका कुछ बहुत कुछ छिन गया है एंड इनको कुछ समझ नहीं आ रहा। थेफ्ट हुआ है, कुछ चीटिंग हुई है या इनकी लड़ाई हुई है, लड़ने की वजह से इनका बहुत ही ज़्यादा इनका नुकसान हो गया गाइस। मुझे नहीं पता किस चीज़ का नुकसान हुआ है, बट आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, देख ही लेते हैं अब। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, या डेफिनेटली गाइस लिब्रा जमिना एक्वेरियस बहुत ज़्यादा है इस रीडिंग में। इनको किसी ने चीट किया है, धोखा दिया है इनके पार्टनर ने, इनके पास रिलेशनशिप में डिवोर्स हुआ होगा, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ डिवोर्स एज वेल। सो डिवोर्स हुआ होगा, किसी ने दिल दुखाया होगा, या फिर डिवोर्स का केस चल रहा होगा, लीगल बैटल लीगल मैटर्स में हो सकते हैं, ये पास्ट रिलेशनशिप में हो सकते हैं। फोर ऑफ कप्स, इन अपराइट एंड थ्री ऑफ कप्स, मैरिड मैरिड है ये बंदा, दिस पर्सन इज मैरिड। ओके, विद द फोर ऑफ कप्स इज लाइक इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, चार पांच ऑप्शंस हैं काम के प्रति भी और इनके पर्सनल लाइफ के प्रति भी, बट ये किसी चीज़ पे भी नहीं देख रहे क्योंकि इनकी ये अपना सॉलिट्यूड ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं एंड ऑल दैट, एंड ये पुरानी बातों को भी सोच रहे हैं, ड्वेलिंग टू द पास्ट, पुरानी चीज़ें जो डिवोर्स हो गया इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो गई, ये उसे हील भी कर रहे होंगे शायद। एंड हैप्पीनेस इज़ लाइक हैप्पीनेस हैज़ रीच्ड इट्स पीक, के बहुत खुश है इस डिवोर्स से शायद, या फिर परेशान भी होंगे तो बट इसे ओवरकम करना चाहते हैं, ये कर रहे हैं, एंड ये एक फैमिली एस्टेब्लिश करना चाहते हैं दोबारा से, दे वॉन्ट टू कम इन टू अ फैमिली दोबारा से। डेफिनेटली थ्री ऑफ कप्स जैसे ही आ जाता है, थ्री ऑफ कप्स का मतलब सेलिब्रेशन, पार्टी, मैरिज एंड सेपरेशन चल रहा है इस बंदे के साथ। ठीक है, एंड डिवोर्स चल रहा है, कोई धोखा हुआ है, अनफेथफुलनेस हुआ है, किसी ने किसी को चीट किया है यहाँ पे, मुझे नहीं पता किसने किया, आप मुझे बताइएगा डेफिनेटली। एंड अगर नहीं हुआ है तो डेफिनेटली करेंगे वो, एंड बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग एंड क्वारल है, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं इन दोनों के बीच में, कभी भी इनकी बन नहीं सकती, आरओ चल गया इनकी कभी बन नहीं सकती, लव नॉट रिटर्न, ये बंदी इनको छोड़ के चली गई होगी, अपना खुद का घर खरीद के इन्होंने दिया होगा, अलग से रहती होंगी अपना, डेफिनेटली कप्स हैं, काफ़ी इमोशनल है ये बंदा, काफ़ी पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो, या पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे गाइस, तो काफ़ी इमोशनल होंगे ये, बहुत ही ज़्यादा परेशान है, एंड आपका जो पर्सन है वो भी बहुत परेशान है बिकॉज ऑफ दिस डिवोर्स एंड ऑल दैट। एंड विद द एट ऑफ कप्स, योर पर्सन वॉकड अवे फ्रॉम दैट रिलेशनशिप, उस रिलेशनशिप से निकल चुके हैं और द थर्ड पार्टी हैज़, मतलब वो अलग रहते हैं दोनों दोनों, अबैंडन्ड कर दिया है उन्होंने इनको, वो इनके साथ नहीं रहना चाहते अब। एंड ट्रैवल इंडस्ट्री से हो सकते हैं, ट्रैवल कर रहे हो, मूविंग ऑन कर रहे हैं ये दोनों एक दूसरे से, ये पर्सन उस थर्ड पार्टी के साथ से निकल रहे हैं एंड इनका रिलेशनशिप नहीं चला, तो ये अब डीपर थिंकिंग में है, सोचते रहते हैं 24/7 एंड ये निकल रहे हैं ये उस रिलेशनशिप से। एंड इनकी करंट फीलिंग्स क्या है, एट ऑफ पेंटिकल्स, ये अपने काम पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, आपकी तरफ भी आना चाहते हैं, ये आपको एक प्रॉफिटेबल एक एक अच्छी जगह पे काम करके पैसे जो इन्होंने गवाए हैं इस मैरिज में, ये उससे निकल के आना चाहते हैं, अपने रेम्यूनरेशन में, सैलरी में, मनी में, वर्क में काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी ये काम करते हैं, काफ़ी दूर भी काम कर सकते हैं, तो इस पे काम कर रहे हैं ये। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न यहाँ पे है, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, तो ये अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं राइट नाउ, ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू भी जा रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि ये प्रे कर रहे होंगे, मेडिटेट कर रहे होंगे और ऑलमाइटी को बुला रहे होंगे, स्पिरिचुअलिटी में जा चुके होंगे, ये मेहनत कर रहे होंगे अपने पेंटिकल पे, और ट्रांसफॉर्मेशन हीलिंग, दिस इज़ अ कलर ऑफ हीलिंग, पर्पल दिख रहा होगा आपको इस कार्ड पे, पूरा हीलिंग चल रहा है, हीलिंग से निकल रहे हैं ये,
ओके पार्टिसिपेशन में आना चाहते हैं आपकी तरफ, आप उनको पता है आप एक स्टार हो सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे काफ़ी फेमस हो, वो होप करते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में आना, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो आपके साथ एक यूनियन में आना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप पेशेंट रहें इस रिलेशनशिप को लेके, आप हड़बड़ी ना मचाएं, नहीं मुझे अभी कमिटमेंट चाहिए, या आप मैसेज करें कॉल करें, नहीं आप ना करें, उनको खुद करने दीजिए, अगर वो आपके रिलेशन आपके डेस्टिनी में है तो डेफिनेटली वो आपकी तरफ आएंगे, आप पेशेंट रहें इस रिलेशनशिप से, पेशेंट रहें, ऑल दैट ग्लिटर्स, ठीक है, ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे एक डिवोर्सी बंदा नहीं चाहिए और मुझे एक ऐसा नहीं चाहिए, वैसा नहीं चाहिए, मुझे बच्चे वाला नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं होता, हर जो चमकती चीज़ वो सोना नहीं होती, सो हर चीज़ के अंदर एक कमी होती है, तो उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अगर आपका डिवोर्स हुआ है तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उनका डिवोर्स हुआ है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उनकी सारी खामियों को, उनकी अच्छाइयों को, सबको एक्सेप्ट करके इस रिलेशनशिप को चलाना पड़ेगा। 3 मंथ्स के अंदर अंदर ये सब कुछ हो सकता है, जैसे कि डाइस दिखा रहा है, सब कुछ क्लियर आउट हो जाएगा, सिग्नेचर्स एंड ऑल दैट जो भी चल रहा है, आई डोंट नो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। स्टार, द स्टार का मतलब होता है आप एक स्टार हो, वो होप कर रहे हैं आपके साथ आना, आपके साथ एक रिलेशनशिप देखते हैं, वो जानते हैं कि आप एक बहुत अच्छे, हो सकता है आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, काफ़ी फेमस हो, काफ़ी कॉन्टैक्ट्स हो सकता है, आप पार्टनरशिप में कुछ करते हो, अपना बिजनेस चलाते हो, आपके पास मनी है, वेल्थ है, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो आपकी तरफ आना चाहते, दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू। हैंग्ड मैन, उनको लग रहा है कि शायद अभी अभी वो मे बी में है, मैं आऊँ कि नहीं आऊँ, मैं आऊँ कि नहीं आऊँ, थोड़ा सा उनका जो ओके गाइस, मैंने पूछा था अपने मन में कि वो उससे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, तो मैंने 3 कार्ड्स निकाले हैं, 6 ऑफ सॉर्ड, डेफिनेटली वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो मूव ऑन होना चाहते हैं, काफ़ी दूर रह सकते हैं आपसे, एंड ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आएंगे, मूविंग ऑन इन द सेंस कि जो डिफ़िकल्ट वाटर्स से काम वाटर्स की तरफ मूव ऑन होंगे या आपकी तरफ आएंगे, गुड न्यूज़ मिलेगा आपको, ये आपको कॉन्टैक्ट करने वाले हैं, डेफिनेटली लॉन्ग जर्नी हो सकता है, आप दोनों हनीमून पे जा सकते हो मैरिज के बाद, मूवमेंट होगा इनकी तरफ से, ऑब्स्टिकल्स सारे हट जाएंगे आपके लाइफ में, जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो सब हटने वाले हैं। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ फैमिली मैन, एरीज लियो सैज भी है यहाँ पे, तो ये बंदा आपको कमिटमेंट देगा, किंग इज़ अ पर्सन हु कैन गिव यू कमिटमेंट, नाइट एंड पेजेस कैन नेवर गिव यू कमिटमेंट, तो ये बंदा आपको कमिटमेंट देगा, मैरिज देगा, आपके पास आएंगे, आपको कॉन्टैक्ट करेंगे एंड आपसे बात करना चाहते हैं, किंग ऑफ वॉन्ड इज़ समबडी हु इज़ जो अपने फैमिली को देखते हो, फैमिली मैन होते हैं, देख रहे हो आप कैसे वो उस एलिफेंट के ऊपर बैठ के जा रहे हैं, तो दिस इज़ माई न्यू डेक, आई जस्ट लव इट, बहुत क्यूट कार्ड्स हैं, बहुत छोटे छोटे कार्ड्स हैं, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो आप ख़रीद सकते हो गाइस, ओके, दिस इज़ वेरी वेरी नाइस कार्ड्स, सो वो किंग की तरह आपकी तरफ आएंगे, आपको एक कमिटमेंट देंगे, आपको डिफरेंस दिखेगा, एम्प्रेस वो चाहते हैं, वो आपको एक मदर की तरह देखते हैं, उनके बेबी की मदर, अगर उनकी बेबी है तो आपको उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो आपको वो एक एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं जो बिल्कुल इनोसेंट है, बहुत स्मार्ट है, एकम्प्लिश्ड है अपने अपने आप में ही, और एक बेबी आपको प्रेगनेंसी पहले आ सकता है, प्रेगनेंसी बहुत जल्दी आ सकता है आप दोनों के बीच में, जब आप मैरिज में आएंगे या आप एक दूसरे से मिलेंगे तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, एम्प्रेस इज समवन हु इज़ अ प्रेग्नेंट वुमेन, ओके, प्रेगनेंसी बहुत जल्दी आ सकता है इस रिलेशनशिप में, ओके, एम्प्रेस की तरह देखते हैं, मदर ऑफ देयर चाइल्ड, एक बेबी चाहते हैं आपके साथ, जजमेंट होगा, आपको शायद जस्टिस नहीं मिला आपके पास रिलेशनशिप से, उनको जस्टिस नहीं मिला, वो जस्टिस आपको इस रिलेशनशिप में, इस मैरिज में मिलेगा, वर्ल्ड कंप्लीशन है पूरा पूरा, आपका कंप्लीशन चल रहा होगा, उनका कंप्लीशन चल रहा होगा, आपका मैरिज ब्रोक हुआ होगा, उनका मैरिज ब्रोक हुआ होगा, आप दोनों का मैरिज फॉल अपार्ट हो चुका है, या यू आर द हाई प्रिस्टेस, डेफिनेटली आप एक लाइट वर्कर हो सकते हो, वो एक लाइट वर्कर, जे से आपका नाम हो सकता है, बी से आपका नाम हो सकता है, या ये दोनों आपके नाम में ये इनिशियल्स आ सकते हैं, आप लाइट वर्कर हो सकते हो, काफ़ी इंट्यूटिव हो, आप दोनों इंट्यूटिव हो सकते हो, काफ़ी चीज़ें आप जानते हो, स्पिरिचुअलिटी में हो सकते हो आप दोनों, और आपका मैरिज होगा इनके साथ, एंजल्स मैसेजेस ले लेते हैं, पीसफुल रेजोल्यूशन, सी वॉट इज एंजल इज सेइंग, पीसफुल रेजोल्यूशन होगा आप दोनों का, आप दोनों एक दूसरे के साथ
पीसफुली रहोगे, आपको जो जस्टिस आपको पहले नहीं मिला वो आपको जस्टिस इस मैरिज से मिल जाएगा. और आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, हो सकता है कि आपको दूसरे लोगों से हेल्प लेनी पड़े, शायद आपका झगड़ा हो चुका होगा या आप दोनों के बीच में बनती नहीं होगी या प्रॉब्लम हो गई होगी, थर्ड पार्टी को उन्होंने चूज़ किया होगा, थर्ड पार्टी ने उनको चीट कर दिया, सो नाउ वो चाहते हैं कि आपके साथ एक यूनियन में आना, तो आपको और उनको दोनों को हेल्प लेनी पड़ेगी किसी न किसी से. देर इज़ समथिंग बेटर जो भी आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, जो इनकी जो करंट फीलिंग्स की हिसाब से सब कुछ अच्छा होगा. ये सोचिएगा, ये मत सोचिएगा कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा. अगर आप ये सोचेंगे तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा. नो नीड टू वरी. एंजल्स ये बोल रही हैं कि आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप वरी करते रहोगे तो कुछ नहीं आएगा उसका आउटकम. वो बोल रही हैं कि कुछ वरी करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा. जैसा सक्सेसफुल ये मैरिज सक्सेसफुल होगा और आपको चेंजेस दिखेंगे. अगर आप मैरिज में आते हैं, अगर एक रिलेशनशिप में आते हैं, ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा, लॉन्ग रन चलेगा, लॉन्ग टाइम चलेगा ये रिलेशनशिप, कोई डिफरेंस नहीं आएगा. एंड रिमेन पॉजिटिव, द लास्ट कार्ड इज़ रिमेन पॉजिटिव. आपको पॉजिटिव रहना है, वो आपकी तरफ डेफिनेटली आएंगे. आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, सोचिए, मेडिटेट कीजिए और प्रे कीजिए और ऑलमाइटी से मांगिए, यूनिवर्स से मांगिए, मैनिफेस्ट कीजिए चीज़ों को, डेफिनेटली आपकी तरफ दैट पर्सन विल कम एंड द कार्ड इज़ वेरी गुड. आई होप आपको ये वीडियो बहुत 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 पसंद आया होगा. पाइल नंबर 3 इज़ वेरी गुड एंड अदर टू पाइल्स आर ऑल्सो वेरी गुड. दोनों पाइल्स देखिए, सारे सन साइंस उसमें हैं, आप चेक कीजिए. जो भी सन साइंस आपको रेजिनेट करता है वहाँ से पिक कर लीजिए पाइल्स. एंड प्लीज़ हिट द थम्स अप ऑन माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. प्लीज़ कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन. थैंक यू सो मच. आई लव यू ऑल. सी यू. बाय.